अरे अंडा के अगले साल देगा, जल्दी ना। चलो ना भाई साहब, आज मैं किसी से नहीं हार सकता। अब जल्दी चलो। ज्यादा से ज्यादा दरबार हुकुम का गुलाम होगा। इक्का तो आने से रहा। इक्का क्यों नहीं आ सकता? इतनी माड़ी किस्मत ना है मेरी। ये देखो दो इक्के। आगे दो इक्के। हाँ जी भाई साहब। अरे मंद बुद्धि, यो पत्ते छुपा के खेलने का खेल है। अरे कई बार तो मुझे खुद पे शक होता है कि कैसे लंगूरों की सेना पाल रखे मन ने। हाँ कौन? अरे आवाज पहचाने जगत सेठ? अरे तेरी आवाज तो मेरे दिलो दिमाग में छाप रखी है धर्मपाल। मुझे कैसे याद किया? अरे न्योता देने के लिए फोन किया। धतूरा चबा लिया है कि धर्मपाल? ये एक्सीडेंट के बाद तेरे दिमाग का संतुलन हिल गया। मुझे किस बात का न्योता दे रहा है? मेरे यार तुझे पहचानने में गलती कर गया मैं। अरे मैंने समझ में आ गया, तू मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, मेरा बड़ा चाहने वाला है, इसलिए तेरी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप आ जाओ और अभी के अभी आओ। मैं पलके बिछाए बैठा हूँ और आज मैं तुझे कुछ देना भी चाहता हूँ। भाई साहब मन ने पता क्या लगता है, आपने गुन्नू सत्तू का पर्दाफाश करके धर्मपाल की छोरियों को बचाया था ना, तो धर्मपाल आपसे इंप्रेस हो गया है। अरे मन ने तो लग रहा है कि गुन्नू सत्तू को देश निकाला दे दिया है धर्मपाल ने, और अब दुकान चलाने वाला कोई है नहीं। और वैसे भी धर्मपाल की आवाज ना कुछ बदली बदली लग रही थी। सबीर जी भाई साहब, एक काम कर, ऑफिस जाके स्टैम्प पेपर और फाइल दोनों गाड़ी में रखवा दे। अरे क्या पता, आज तो दुकान अपने नाम लिखवा के लौटू। जी भाई साहब। जी भाई साहब। क्या लगता है बहन, क्या करने वाले पापा जी जगत के साथ? हमारे पापा है, हमसे कुछ बढ़कर ही करेंगे। वो तो मन ने भी पता है, लेकिन राइट हैंड तो पापा जी का टूटा हुआ है। तो क्या हो गया, हम दोनों है ना राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड्स। साहू जी अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये जो गुन्नू सत्तू ने आपसे अपने अनाथों ने का जो सच छुपाया है, उसे सुनकर आप उन्हें दुकान से तो ना निकाल दोगे ना? अरे अनाथ होना कोई गुनाह है के? जो गुनाह ही ना है तो सजा किस बात की? पर दोनों एक नंबर के झूठे हैं, ये तो बात पक्की है। सोच रहा हूं निकाल ही दूं। पापा वो तो गुन्नू से तो आपसे डर रहे थे ना? हाँ, अब आपका टेरर ही ऐसा है ना पापा जी कि आपकी प्रजा ना थर थर कांपती है सूखे पत्ते की तरह। और पापा मैं क्या कह रही हूँ कि आप ना शादी तोड़ दो, ठंडे पानी और मिठाई से शुरुआत करो है। हाँ तो बेटे जी, आप लोग खाने का क्या करते हो? हम तो बस खा लेते हैं। मतलब है कि आप क्या करती है खाने का? अच्छा, गुड ह्यूमर साइंस, वेरी गुड ह्यूमर साइंस। मैं न्यू कह रही थी भाई साहब कि एक दिन ना इनके घर चलते हैं, जरा देखे तो कि हमारी छोरियां कहाँ जा रही हैं। और किसी भी सामान की अगर जरूरत हो तो अभी से सेट करना पड़ेगा ना। हाँ तो बेटे जी, बेडरूम्स कितने हैं आपके यहाँ? चाची वो आलू पूरी। हाँ हाँ, और वो खीर बन रहा है बेटा, आलू उबल रहे हैं और उसी के बगल में ना दूध गाढ़ा हो रहा है। अच्छा तो आप लोग रहते कहाँ हो, मतलब कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला? हाँ
वो सर जी अब क्या बताएं, मतलब मोहल्ले का नाम लेते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हैं? क्यों? 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 नाम वो क्योंकि हम चुग्गी में रहते हैं ना, इसलिए। हाय। तो भाई साहब हमारी छोरियां इस महल को छोड़ के अब झुग्गी झोपड़ी में रहेंगी। लेकिन कमरा बड़ा है हमारा। हाँ मतलब दो लोगों के लिए काफी है। हाँ लेकिन रहते चार। हाँ वो क्या है ना, बाकी के दो लोग वॉचमैन की नौकरी करते हैं, तो वो लोग दिन में सोते हैं और हम लोग रात में। हाँ तो एक ही टाइम पे दो ही लोग होते घर पे ना। मतलब भाई साहब शादी के बाद हमारी छोरियां दिन में सोएंगी क्या रात में? ये किसके घर भेज रहे हैं अपनी छोरियों को? बहुत सही गेम शुरू किया है तूने भाई, सबकी शक्ल देख के तो लग रहा है शादी के दिन साल। हाय रे, क्या क्या सोचा था मैंने अपनी परियों जैसी नाजुक भतीजियों के लिए, और अब वो दो वॉचमैन के साथ कमरा शेयर करेंगी। किस्मत को बिना जरा भी दया नहीं आती। लिखी को कौन डाल सकता, जो होना है वो तो होना ही है। नहीं भाई साहब, अगर गुन्नू सत्तू के पास अपना घर ना है तो मेरी छोरिया इनके घर ना जाएगी। बधाई हो बहन, ये बोल दे पेंसिल अपनी शादी कैंसिल। मैंने फैसला कर लिया है, ये दोनों छोरे गुन्नू और सत्तू शादी के बाद मेरी छोरियों के साथ इसी घर में रहेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।